ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि जो एनिमे मूवीज होती हैं उनके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक कंटेंट मिल जाता है जो रियल एक्शन मूवी के अंदर पॉसिबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ योर नेम एनिमे मूवी के बारे में। इसका दूसरा नाम है किम नो नावा। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन सही की है। ये मूवी 2016 में आई थी और मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि ये मूवी हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की थी। उनका नाम है समीर, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा। चलो अब इसकी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं इसके अंदर कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। एक लड़की है जिसका नाम है मित्सुआ, जो जापान के एक छोटे से गांव या एक छोटे से विलेज में रहती है और उसकी ये विश होती है कि वो टोक्यो यानी जापान की कैपिटल में जाके रहे, क्योंकि जो गांव में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो उसे टोक्यो में मिलने वाली हैं। और इधर एक और लड़का है जिसका नाम है टाकी, जो टोक्यो में रह रहा है और ये दोनों हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और अलग अलग लाइफ एक स्टाइल जी रहे हैं। फिर एक ट्विस्ट आता है, मैं इसको बड़े ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि टाकी की जो आत्मा है वो एक्सचेंज हो जाती है मित्सुआ के शरीर से और मित्सुआ की जो आत्मा है वो टाकी के शरीर में चल जाती है। स्टार्टिंग में जब मैं मूवी देखने बैठा था तो मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही मैंने इसका कोई ट्रेलर देखा था, ना ही मुझे ये पता था ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है। और जब तक ये मूवी खत्म नहीं होगी, सच में मैं एक छोटे बच्चे की तरह इस मूवी को एंजॉय कर रहा था। अब मैंने थोड़ी सी कहानी इसलिए बताई है क्योंकि ये मूवी जब स्टार्ट होती है इसमें थोड़ी बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है, आपको समझने की जरूरत पड़ती है कि इसके अंदर होने क्या वाला है। अब काफी सारे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही सब कुछ दिखा दिया जाए। यार, ट्विस्ट के लिए वेट करना पड़ता है, पहले चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं। जब दोनों की आत्मा एक्सचेंज होती है तो इसमें जो एक्सप्रेशन डाले गए हैं, यार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब सपोज करो कि आप लड़के हो और आपकी आत्मा एक लड़की के शरीर में जाती है, तो आप जाकर सबसे पहले क्या फील करने वाले हो? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा ही लड़का यानी टाकी की आत्मा जो वो मित्सुआ के शरीर में जाती है वो वैसा ही फील करता है, यानी कुछ टच करने की कोशिश करता है। खैर, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी आत्मा हमेशा के लिए एक्सचेंज हो गई है, ये अल्टरनेट दिन के ऊपर एक्सचेंज होती है। मतलब कि आज इस दिन अगर एक्सचेंज हुई है तो एक दिन छोड़ के यानी अगले दिन वो सेम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन ये फिर से इनकी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी, यानी फोर्थ डे में फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और फिफ्थ डे में फिर से इनकी आत्मा एक्सचेंज हो जाएगी, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन का ये प्रोसेस चल रहा है। अब बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैंने कुछ बताने की भी कोशिश की तो स्पॉयलर्स आ जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा खूबसूरत मूवी को आप एंजॉय करो बिना किसी स्पॉयलर्स के। मुझे जैपनीज एनिमे मूवी या सीरीज की एक बात सबसे ज्यादा ये पसंद आती है कि ये अपनी एनिमे सीरीज के अंदर या मूवीज के अंदर अपनी कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, अपने रिलीजन को बहुत प्रमोट करते हैं, जो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुशी होती है। अगर मैं अपने देश में रहकर अपने देश की बात करता हूँ, अपने कल्चर की बात करता हूँ, अपने रिलीजन की बात करता हूँ, तो यहाँ के लोग मुझे कहते हैं यार तू तो बड़ा कंजर्वेटिव है, तू सेक्युलर नहीं है, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें कमेंट करने लग जाते हैं। और इवन ये बात सुनकर भी काफी सारे ये सोच रहे होंगे यार इस बात को स्किप ना करते। यार छोड़ो, यार मुद्दे की बात पे आते हैं, मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा ड्रामा है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी इसके अंदर देखने को मिलता है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों की मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो बहुत ज्यादा एक अच्छा कंटेंट वाली मूवी आप मिस कर दोगे, प्लीज इसे जाकर जरूर देखें। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।